दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। हम आपके लिए उपस्थित है अपडेट और अलर्ट खबर के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेवाओं की। यदि आप भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और उपयोग करते हैं बैंकिंग सेवाओं का, तो आपके लिए एक बहुत ही अलर्ट और काम की खबर निकल कर आ रही, जो कि आज ही 4 जून को अपडेट हुई है। इस खबर के अनुसार एटीएम में लिमिट से ज्यादा बार यदि आपने कैश निकाला है तो आपको देना पड़ेगा जीएसटी। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसी अपडेट और अलर्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों अपडेट खबर के अनुसार देश में बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही मुफ्त सेवाओं जैसे कि एटीएम, चेकबुक या स्टेटमेंट इत्यादि पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ने सवाल जवाब के तौर पर जारी की है। हालांकि टैक्स विभाग ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के बकाया का लेट पेमेंट करना अथवा ईएमआई भुगतान करने में विफल होने पर बैंक जीएसटी वसूलेंगे। इसके अलावा मुफ्त सेवा के अतिरिक्त दी जाने वाली सभी सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर एटीएम से फ्री निकासी की लिमिट समाप्त होने के बाद कोई निकासी की जाती है तो उस पर जीएसटी लगेगा। यदि आप फ्री लिमिट तक करते हैं तो नहीं लगेगा, इससे अधिक करेंगे तो आपको जीएसटी लगेगा। गौरतलब है कि बैंकिंग सुविधाओं पर जीएसटी में यह विवाद तब सामने आया जब वित्त मंत्रालय के दो विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर अलग अलग मत सामने आया। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ने बकायदा सवाल जवाब जारी करते हुए बैंकों और ग्राहकों के लिए मामले को पूरी तरह स्पष्ट करने की कोशिश की। टैक्स विभाग की सफाई के बाद साफ है कि ग्राहकों को प्रति माह बैंकों द्वारा जो 3 से 5 एटीएम निकासी मुफ्त दिए जाते हैं उन पर तो किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस मुफ्त निकासी के अलावा होने वाली निकासी टैक्स के दायरे में रहेगी। इस तरह ग्राहकों को बैंक से निकलने वाली फ्री चेकबुक या फ्री बैलेंस स्टेटमेंट पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन फ्री सुविधाओं से अलग बैंक चार्ज देते हुए चेकबुक और स्टेटमेंट प्राप्त करने पर जीएसटी तय होगा। नहीं कि आप यदि मुफ्त सीमा से अधिक उसका यूज करेंगे तो आप पर जीएसटी लगेगा। टैक्स विभाग के सवाल जवाब के मुताबिक यदि बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी सेवा के लिए सर्विस चार्ज पर डिस्काउंट देता है तो ऐसी स्थिति में कुल सर्विस चार्ज से डिस्काउंट को घटाकर ही जीएसटी वसूला जाएगा। इस फैसले के चलते बैंक द्वारा कस्टमर केयर, ब्रांच विजिट, बैंक ड्राफ्ट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि सेवाओं के लिए जीएसटी देय होगा। गौरतलब है कि बैंक अपने ग्राहकों को अलग अलग दर पर चार्ज लगाते हैं। आमतौर पर बैंक महत्वपूर्ण ग्राहकों को अधिक डिस्काउंट देते हैं जिससे उनका खाता बैंक के साथ लगातार चलता रहे। अब जीएसटी की नज़र ऐसे खातों पर भी रहेगी जिन पर कि मुफ्त से अधिक बार उस सुविधा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपके लिए अपडेट और अलर्ट खबर जो हम आपके लिए लेकर आए, इसी प्रकार की अपडेट और अलर्ट खबर प्राप्त करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको इसी अपडेट और अलर्ट खबर मिलती रहे और हर कैटेगरी के न्यूज़ आप तक पहुंच सके तुरंत, क्योंकि हर काम खबर आप तक पहुंचाना है हमारा लक्ष्य। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।